टू माई चैनल। तो दोस्तों आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक और मीशो से शॉपिंग का हॉल वीडियो। तो दोस्तों मेरे चैनल पे गिव अवे स्टार्ट है, अगर आप पार्टिसिपेट लेना चाहते हो तो गिव अवे की डिटेल्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। आज के हॉल में हम देखेंगे डेनिम कुर्तीज, कुछ वेलवेट की कुर्तीज और कुछ जो कैजुअल कुर्तीज होती है जो कि आप डेली वेयर में छोटे मोटे पार्टीज गेट टुगेदर में वेयर कर सकते हो। तो आज का जो हॉल होने वाला है वो मिक्स हॉल होने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी कुर्तीज का कोड लिंक जो भी अवेलेबल होगा वो मिल जाएगा, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का हॉल वीडियो। तो दोस्तों आज के हॉल में मैंने जैसे कि बताया काफी कुछ आपको मिलेगा, तो सबसे पहले जो मैं शेयर करूंगी ये है एक प्यारी सी डेनिम कुर्ती। तो इसमें आपको बहुत ही प्यारा एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा, बहुत ही खूबसूरत ये डेनिम कुर्ती है जिसमें आप देख सकते हो व्हाइट कलर की आपको नेक पे एम्ब्रॉयडरी मिलेगी, पान शेप में नेक है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्लीव्स में भी आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलता है, ये जो है एल्बो स्लीव्स रहेगा और स्ट्रेट कुर्ती रहेगी, फ्रंट एंड बैक साइड आप देख सकते हो पूरा ये प्लेन रहेगा, बैक साइड में आपको जो है ओनली यहाँ पे एक ये बनाया हुआ मिल जाएगा एम्ब्रॉयडरी वर्क जो कि एक फ्लावर बनाया हुआ आपको मिलेगा, काफी खूबसूरत सा और बहुत ही सुंदर कुर्ती है। गिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो ना कोई अच्छा सा गिफ्ट, तो उसके लिए भी बहुत सही है और एक बजट के अंदर में मिलता है, मतलब ओवर बजट नहीं है, बजट में आपको मिल जाएगा। फैब्रिक बहुत अच्छा है, आप इसको घर पे इजीली वॉश कर सकते हो, तो गो फॉर दिस। नेक्स्ट जो मैं शेयर करने वाली हूँ ये है हमारा एक कुर्ता सेट। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कुर्ती की, तो ये नॉर्मल सी हमारी रियोन की कुर्ती रहेगी जिसमें आप देख सकते हो आपको ये एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा जो कि थोड़े वाइब्रेंट कलर में है, और ये जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है ना ये आपको दोनों साइड में मिलेंगे बट ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का रहेगा, तो एक साइड में आपको ऊपर मिल रहा है एक साइड में आपको नीचे मिल रहा है। रियोन का मटेरियल है इसका, ओके ओके काइंड ऑफ मटेरियल है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ओके ओके काइंड ऑफ मटेरियल है। आपको इसके साथ में ट्रांसपेरेंट है ये, तो आपको इनर डालना पड़ेगा बिकॉज इसका फैब्रिक काफी ज्यादा थिन दिया गया है। आपको नेक पे बटन्स की डिटेलिंग मिलेगी जो थोड़ा सा इस टाइप से बनाया गया है, आप देख सकते हो अगर ध्यान से आप देखोगे तो थोड़ा सा यू शेप में बनाया गया है, तो ये इस तरीके से ही मिला है मुझे। 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिलेगा जिसमें यहाँ पे आपको ये थोड़ी सी चौड़ी सी पाइपिंग मिलेगी, गोल वाली नहीं है, और ये स्ट्रेट नीचे से रहेगा कुछ इस टाइप का। यहाँ पे भी आप देखोगे अगर रेड कलर का ये डिटेलिंग करा हुआ है जो कि फ्रंट एंड बैक साइड दोनों साइड में आपको मिल जाएगा। तो ये रही हमारी कुर्ती। साइज जो मैंने इसमें लिया है वो मैंने एक्सेल साइज लिया हुआ है। इसके साथ में जो इसका पैंट आएगा यानी कि इसका जो बॉटम वेयर रहेगा वो प्लाजो आएगा, जिसमें पूरे पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा। ये जो प्लाजो है ये कॉटन में आएगा और इसका फ्लेयर वगैरह काफी अच्छा है, मटेरियल भी अच्छी है, एंड आप देख सकते हो जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो भी फाइन है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी करके दे दिया है, बट कुर्ती का जो मटेरियल है वो ओके ओके है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है, इसका एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, ओके ओके काइंड ऑफ ये रहेगा। नेक्स्ट जो कुर्ती मैं शेयर करने वाली हूँ इसमें कि मैंने एक और कुर्ती आप सबके साथ में शेयर ऑलरेडी करी है जो कि ग्रीन कलर की है, आपको मिल जाएगा वो वाला वीडियो भी, तो उसी में सेम मैंने ये मरून कलर लिया है, तो ये भी मुझे बहुत सुंदर लगा था तो इसलिए मैंने ये वाला भी पिक करा। ये वेलवेट की कुर्ती है जिसमें आप देख सकते हो नेक पे बहुत ही सुंदर आपको वर्क मिलता है, 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिलता है। वेलवेट की कुर्ती बहुत ज्यादा ट्रेंड में है आजकल, और यहाँ पे आप देखोगे एम्ब्रॉयडरी वर्क आपको मिल जाएगा, बैक साइड से पूरा प्लेन रहेगा और फ्रंट साइड में जस्ट आपको नेक पे एम्ब्रॉयडरी मिलेगा, बाकी पूरा ये सॉलिड प्लेन रहता है। इसका फैब्रिक का शाइन वगैरह बहुत अच्छा है, सॉफ्ट मटेरियल है और विंटर्स के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। काफी सारे लोग पूछते हैं इस टाइप की कुर्तीज आप डायरेक्ट वेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो मेरा जवाब है आप इसको डायरेक्ट आराम से वेयर कर सकते हो, और इसको आप ट्राउजर प्लाजो जो भी आपको पसंद है ना बॉटम वेयर में उसके साथ में वेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैं दिखाने वाली हूँ ये भी एक कुर्ता सेट है जो कि साइज मैंने लिया है एक्सेल। तो ये जो है कुछ इस टाइप का अनारकली पैटर्न में कुर्ता रहेगा, ओके इसकी जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो भी मीडियम क्वालिटी है, बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। राउंड शेप में यहाँ पे नेक आएगा इसका और एम्ब्रॉयडरी वर्क रहेगी, बॉर्डर पे आपको गोटा का डिटेलिंग मिलेगा, एंड पूरी कुर्ती पे आपको ये जो है हल्के हल्के फॉइल प्रिंट के डॉट्स मिल जाएंगे, फ्रंट एंड बैक साइड दोनों साइड में ये डॉट्स मिल जाएंगे। बॉर्डर पे आपको सिल्वर टोन में ये गोटा का बॉर्डर मिलेगा फ्रंट एंड बैक साइड दोनों साइड में, आप देख सकते हो। ओवरऑल ओके ओके काइंड ऑफ कुर्ता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लेना ही है, मतलब
पसंद आ रहा हो तो ट्राई कर सकते हो, बट वो है इसका बॉटम वेयर जो कि रहेगा एक ट्राउजर, जो कि इसमें पूरा आपको फॉइल प्रिंट का डॉट्स ही बनाया हुआ मिलेगा फ्रंट एंड बैक साइड में, और इलास्टिक रहेगा जो कि काफी सही है, और लूज फिट ये ट्राउजर आपको मिल जाएगा जो कि मैं कहती हूँ काफी ओके है, मतलब ओके ओके काइंड ऑफ ही आउटफिट है ये। नेक्स्ट जो मैं दिखाने वाली हूँ ये है कॉटन में सूट थ्री पीस। तो यहाँ पे अगर आपको थ्री पीस सूट सेट पहनना पसंद है तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। एक तो ये डिफरेंट कलर है, आप देख सकते हो इसमें ग्रीन कलर के आपको शेड्स मिल जाएंगे, बहुत ही सुंदर मतलब शेड दिए गए हैं इसमें आपको। नेक पे भी यहाँ पे आप देख सकते हो गोटा का वर्क आपको मिल जाता है, 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिल जाएगा जिसमें अगेन गोटा वर्क मिल जाएगा। फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको सेम प्रिंट मिलता है। ये कुर्ती बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप इसको आराम से छोटे मोटे गेट टुगेदर्स में, छोटी मोटी पार्टीज में वेयर कर सकते हो। यहाँ पे आपको नीचे का जो इसका फ्रंट साइड का बॉर्डर रहेगा ना, वहां पे भी आपको सिल्वर टोन में ये गोटा का आपको बॉर्डर मिल जाएगा। ओवरऑल मैं कहूंगी काफी सही है ये। इसके साथ में आपको दुपट्टा मिलेगा जो कि कुछ इस टाइप का रहेगा, वेव्स के पैटर्न का रहेगा ये दुपट्टा, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे गोटा लगा हुआ है, तो दोनों साइड में आपको गोटा मिलेगा एंड दुपट्टा कुछ इस टाइप का रहेगा जो कि कॉटन का है, तो ये काफी अच्छा दुपट्टा आपको मिल जाता है। साथ में मिलता है आपको ये वाला बॉटम वेयर जो कि है इसका ट्राउजर, जो कि काफी अच्छा है, आप देख सकते हो काफी सुंदर वेव्स का पैटर्न आएगा इसमें, क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है इसकी आप देख सकते हो। इलास्टिक जो दिया गया है वो भी बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करो। थ्री पीस सूट सेट अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर दिस। नेक्स्ट जो आउटफिट मैं दिखाने वाली हूँ ये भी बहुत प्यारा पीस है, अनारकली कुर्ती है ये फ्लोर लेंथ। ये थोड़ी सी पार्टी वेयर काइंड ऑफ कुर्ती है जिसमें आप देख सकते हो नेक पे आपको जो है काफी सुंदर सा लाइट एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाता है, प्रिंट के साथ साथ लाइट एम्ब्रॉयडरी वर्क भी मिलता है, एंड पूरी कुर्ती में जो ये ग्रीन कलर में प्रिंट आपको मिलता है ना, बहुत ही ज्यादा सुंदर लुक देता है। प्लस यहाँ पे आप देखोगे जो इसका नीचे का तरफ में गोटा का जो काम किया हुआ है ना, फ्रंट एंड बैक साइड आप देख सकते हो दोनों साइड में गोटा का पूरा काम किया हुआ है, पूरा जो अनारकली सर्कल रहेगा ना उसमें पूरा काम किया हुआ है, इसका घेर भी बहुत अच्छा दिया गया है। प्लस यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरीके से दोनों साइड में आपको ये डोरी की डिटेलिंग मिलती है जिसमें ये प्यारे प्यारे लटकन बनाए गए हैं, तो ओवरऑल बहुत ही सुंदर सी एक ट्रेडिशनल कुर्ती बनती है ये, और आप इसको मरून कलर के साथ में वेयर करो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आपके पास में मरून या फिर ब्राउनिश कलर में कुछ नहीं है बॉटम वेयर तो आप सीधा व्हाइट कलर को पहन लीजिए, क्योंकि ये फ्लोर लेंथ तो है ही, नजर वैसे भी कुछ नहीं आना है, बहुत सुंदर लगेगी ये वाली कुर्ती, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस। एंड कॉटन फैब्रिक में है, बहुत ही अच्छा कॉटन है, इसमें रेयन मिक्स नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी ये वाली कुर्ती, आप देख सकते हो प्रिंट बहुत ही गॉर्जियस है, कलर भी बहुत प्यारा है, आप इसको किसी भी अच्छे फंक्शंस में आराम से वेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो कुर्ती मैं दिखाने वाली हूँ ये भी एक बहुत ही सुंदर सी अनारकली कुर्ती है, ये भी बहुत प्यारा पीस है, बट ये रेयन एंड कॉटन ब्लेंड फैब्रिक में रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे राउंड शेप में इसका नेक है, एंड यहाँ पे आपको गोटा का ये जो है चेक्स में आपको वर्क मिल जाएगा, चेक्स में एक्चुअली गोटा का वर्क नहीं है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है जो कि सिल्वर टोन में किया गया है, गोटा आपको बॉर्डर पे मिल रहा है, और जो कुर्ती का अनारकली पैटर्न है ना इसमें आपको ये गोटे के स्ट्रैप्स मिल जाएंगे जो कि पूरी कुर्ती पे रहेंगे, आपको यहाँ पे साथ में ये डोरी का डिटेलिंग एंड ये लटकन वगैरह भी मिलता है, और बहुत ही सुंदर एक फ्रॉक स्टाइल जो कुर्ती होती है ना अनारकली कुर्ती, बिल्कुल उसी तरीके की बनाई गई है, घेर इसका भी अगेन बहुत अच्छा है। और एक बात बता दूं, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप इस तरीके की कुर्तीज ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि ये फीडिंग में तो देखो ये काम नहीं आएगी क्योंकि ये उस तरीके की कुर्ती है ही नहीं, बट पहनने पर काफी अच्छी लगेगी, क्वालिटी इनकी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो डेफिनेटली ये आपको जब आप जैसे कि 6 मंथ चल रहा है, 7 मंथ चल रहा है, 9th मंथ चल रहा है, 8 मंथ चल रहा है, तो उसमें ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहती है, क्योंकि आप उसमें इस टाइप की कुर्तीज पहनते हो तो एक तो आप खुद कंफर्टेबल रहते हो, दूसरा इस टाइप की कुर्तीज कोई टाइट नहीं होती है, लूज फिट रहती है, तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो इन अनारकलीज को आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही सही चीजें हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का हॉल वीडियो मीशो से, अगर आपको पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।